हमारे साथ अफराद अगवा किए गए हैं। ना हुकूमत और ना ही ठेकेदार हमारी बात सुनने को तैयार है। हमारी दीगर लोगों से दरख्वास्त है कि कान में काम बंद करके हमारे साथ सड़क पर बैठकर एहतजाज करें। बजाय इसके रुकने के रात को फिर 3 बंदों का अगवा कर दिया। टोटल अब दुखी में 10 बंदे जो है अब उनके पास है, उनको अगवा किया गया है। जब हम कंपनियों से बात करते हैं, कंपनी कहते हैं कि सरकार से बात करते हैं, कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब हम कहते हैं कि भाई आप मजदूर को फुटबॉल ना बनाए। चूंकि बलूचिस्तान जो है कोल माइंस के हवाले से अगर आज हम बात करें तो सबसे रिच सूबा है, और हमारे 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कोल माइनिंग होती है, और हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से जो है वर्कर वहाँ पर इंगेज है, अंडरग्राउंड भी और सरफेस भी। लेकिन माइंस वर्कर का सबसे बड़ा इशू है उनके सेफ्टी एंड हेल्थ का, कि हमारे जो माइंस वर्कर हैं उनके सेहत सलामती के बहुत ज़्यादा इशू है। हम तकरीबन सालाना तकरीबन 200 लोग जो है वो इस हादसात की वजह से जो है वो उनकी अमवात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, और कोई 250 से 300 वर्कर जो है वो सीरियस इंजर्ड हो जाते हैं। माइंस एक्ट 1923 उसको जो है अब नए जदीद तरीके और 21वीं सदी के मुताबिक उनको डाला जाए, ताकि हम मिल बैठ करके इस तरह कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वर्कर हो, मालिकान हो, गवर्नमेंट हो, वो इस एक्ट को जो है रिव्यू करें। और उसी के साथ ILO का एक कन्वेंशन है 176, ये लाजमी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रेटिफाई करें।